ये आतंकवाद बंद नहीं हो रहा है। अरूज पे था उस वक्त, हमारे कई साथी शहीद हो गए, मगर ये बंद नहीं हुआ और ये हर साल चल रहा है, यानी कि ये बंद हुआ है। और जो इसको चलाने वाले हैं वो आपको मालूम है, वो ये समझते हैं कि इससे कश्मीर को पाकिस्तान से मिला देंगे। उस गलत फहमी में कश्मीर में 47 में फैसला कर लिया था कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना, और अगर वो समझते हैं कि इससे वो कुछ कर सकेंगे, वो सिर्फ अपनी बर्बादी और हमारी बर्बादी कर रहे हैं, मुसलमानों की सारी तबाही कर रहे हैं। उन्हें ये बंद करना चाहिए, क्योंकि अगर ये चलता रहेगा तो एक दिन आएगा जबकि ऐसी लड़ाई होगी जिसमें कुछ नहीं बचेगा। अगर ये वही चाहते हैं तो उसके लिए तैयार हो जाए, क्योंकि जब पानी उस घड़े में भर जाएगा वो और नहीं बर्दाश्त करेगा, तो असर वही होगा। उनको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है यूक्रेन में, उन्हें देखना चाहिए क्या हो रहा है शाम में, क्या हो रहा है ईरान पे आजकल, क्या हो रहा है फलस्तीन पे, क्या हो रहा है लेबनान में, और किस तरह बर्बादी हो रही है। क्या ये वही बर्बादी चाहते हैं? जो गरीबी है उसको और गरीब करना चाहते हैं? बंद करें, खुदा के वास्ते बंद करें इसको। किस तरह से तो जनाब जो ये चला रहे हैं उनको सोचना चाहिए, ये उनको सोचना चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए इसको? वो जानते हैं डॉक्टर साहब। अभी देखा जाए तो मैक्सिमम जो मीटिंग्स होती है एलजी के साथ या जिसमें हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर देखें, मैक्सिमम उमर साहब को अभी तक उसमें शामिल नहीं किया गया जिस पर तंकीद की जाती है, इस पर आपका? देखिए सेना, एलजी जो है वही इस वक्त कमांडर है, सब उन्हीं के पास है। उमर साहब यहाँ नहीं थे जब इन्होंने मीटिंग दिल्ली में, ये कहना कि उनको नहीं बुलाया ये गलत बात है। अगर दूसरी दफा ये मीटिंग बुलाएंगे उमर साहब जरूर होंगे, क्योंकि वजीर आला है। सर आज जो प्रोटेस्ट हुआ इंजीनियर रशीद का, उसमें दरबार मुंह को लेकर बात की गई, तो आप क्या बात के बात की गई? दरबार मुंह, दरबार बहाली के लिए वापस कश्मीर साहब इंजीनियर रशीद का मेहरबान में कुछ नहीं, थोड़ा यहाँ हालांकि वो क्या है वो नहीं करता है, वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहता है, ये चीजें कर। सर ये जो मुझे इसके बारे में कुछ कहने की बहाली की गई, की बात की गई, इसकी बात की बात की गई, दरबारों की बहाली की बात की गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस। भैया अल्लाह के वास्ते असेंबली मिलने दीजिए, असेंबली में आप खुद देखिएगा क्या आने वाला क्या नहीं आने वाला। पहले आप जंपे मार रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं, किस लिए? डॉक्टर साहब जिस तरीके से पहले इलेक्शंस बड़े पीसफुल है, चाहे वो पार्लियामेंट्री असेंबली, उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल चली, आफ्टर कंप्लीटिंग योर अमेंडमेंट्स विद द गवर्नमेंट, उसके बाद हम देखा कि लगातार स्ट्राइकिंग। क्यों इससे पहले नहीं हुआ? क्या जम्मू में नहीं हुआ? सांबा में नहीं हुआ? वो रियासी में नहीं हुआ? क्यों आप कहते हैं कि आज ही हो रहा है? ये तो चलता जा रहा है, ये कभी बंद नहीं हुआ है, और ये समझे कि ये बंद हो रहा है, नहीं बंद हो रहा है। और करने वाले आपको पता है कौन है, उन्हें इसकी तरफ देखना चाहिए। आपको लगता है शिफ्ट हो रहा है आपको जम्मू के बाद कश्मीर में ऐसे हमले हो रहे हैं इसमें? भैया क्यों घबराते हो? हमले होते जाएंगे, हम भी इनका मुकाबला करते जाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं। मैं कभी नहीं घबराया हूँ, मेरे वक्त में इतना इससे ज़्यादा था, मगर मैं कभी घबराया नहीं, मुकाबला किया, और इंशाल्लाह आगे भी मुकाबला करेंगे, इनके दांत खट्टे करेंगे इंशाल्लाह, घबराइए मत। डॉक्टर साहब एक सवाल, क्योंकि सीएम साहब के दिल्ली दौरे को लेकर भी कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये सीएम जानता मैं नहीं जानता। डॉक्टर साहब इसका मुस्तकिल हल क्या? मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी मुलाकातें होंगी, वो करेंगे, क्योंकि दफा 370 और 35 से मौजू बन गया था इलेक्शन कैंपेन। भैया अल्लाह के वास्ते क्यों आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे फारूक अब्दुल्ला को मत पूछिए, असेंबली का इंतजार कीजिए, अब असेंबली आ गई उसमें देखिए क्या होता है।